Hi guys, welcome to yet another interview, and we have a very special guest today. Her name is Vidya, and she has been running a kind of franchisee of hers in which she basically teaches students. We'll learn more about that from Vidya, but she has achieved a mark of 1 lakh per month consistently just through organic traffic for her business. She started with us when she was at 20,000-25,000 per month. It has been 2 to 3 months and she has got to finally 1 lakhs per month. So without wasting much of her time, let me shift this to Vidya. Hi Vidya, how are you? Kaise hain aap aur kya chal? I'm fine, what about you? Ekdam badhiya Vidya, aap bataiye kya chal raha hai? Good. Kaisa chal raha hai business? Life mein? Achha chal raha hai, kaafi अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के. एक्चुअली मैं ढूंढ ही रही थी कि कोई मुझे मेंटर करने वाला मिले, और आप मिल गए और मैं अभी यहाँ तक पहुंची हूँ. बहुत बहुत खुशी की बात है. यहाँ पर कैसा आके लग रहा है? किंगडम क्लब विनर में फाइनली, सबका ड्रीम होता है ये कम्युनिटी के अंदर, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके फाइनली? वाओ लग रहा है. एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ. फिर बाद में जब रियलाइज हुआ तो एक अलग ही खुशी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या बिजनेस है, क्या बैकग्राउंड है, आपने बिजनेस क्यों चालू किया था, थोड़ा अपने बारे में बताइए. जी जरूर जरूर. एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के बावजूद भी मुझे पेमेंट, आप हंसेंगे मुझे, बहुत अच्छी कंपनी थी शेयर मार्केटिंग एंजल ब्रोकिंग, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 10,000 सैलरी मिल रही थी इन हैंड. तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल ही रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस का है, हमारे मम्मी पापा का. तो मेरे बैकग्राउंड बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ करना है. और ऐसे करते करते मैंने अबैकस से स्टार्ट किया. अबैकस का ट्रेनिंग लिया, तब जबकि मुझे अबैकस की ट्रेनिंग भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. अच्छा, मतलब अबैकस सीखने के लिए आप दूसरों को सिखा पाए, उसकी ट्रेनिंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. जी जी जरूर. तो फिर भी मैंने कैसे कैसे करके इंस्टॉलमेंट ये वो सब अरेंज करके मैंने कोर्स किया. फिर बाद में मैंने उनके यहाँ पे थोड़े दिन जॉब किया एज अ टीचर, जिनसे मैंने सीखा था. और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे काम निकलवा रहे, लेकिन मुझे पर हेड सिर्फ 100 रुपीज मिल रहा था. तो फिर मैंने कहा उन्हें कि नहीं, मुझे फ्रेंचाइजीज लेनी है. और फ्रेंचाइजीज लेने के लिए 1 से 1.5 लाख का अमाउंट था, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने फ्रेंचाइजीज ली उनसे, मतलब कम परसेंटेज में फ्रेंचाइजीज ली. जैसे कि मेरा प्रॉफिट कम, उनका प्रॉफिट ज़्यादा, लाइक दिस. मतलब कि वो जो अमाउंट था 1,21,25,000, वो हमने ऐसे कवर किया. उसके बाद फिर मैंने खुद का सिलेबस बनाया अबैकस का, क्योंकि मुझे ध्यान में आया था कि मैं उनके लिए एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कह सकते हैं. क्योंकि मेरे यहाँ से उनको 20,000 से 25,000 प्रॉफिट मेरे यहाँ से जा रहा था. और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था. तो फिर मैंने सोचा कि मैंने खुद का मेरा सिलेबस बनाया. उसके लिए मेरे 2 साल गए एक्चुअली सिलेबस बनाने के, क्योंकि उसमें 8 लेवल्स होते हैं. और मेरे पास स्टूडेंट्स तो आ ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने रुक के कुछ किया था, वर्किंग में ही था. तो सिलेबस कंप्लीट बनाया, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, और फिर अभी मैं खुद के फ्रेंचाइजीज देती हूँ. क्या बात है. तो एक जर्नी चालू होती है जहाँ पे आपके पास वो ट्रेनिंग लेने के पैसे नहीं थे, और आज आप खुद की फ्रेंचाइजी लोगों को देती हैं. क्या बात है. तो व्हाई मैथ्स का बिजनेस? मतलब जितना मुझे समझ में आया, बेसिकली बच्चों को मैथ्स की ट्रेनिंग देती है, राइट? ये आपका बिजनेस है, और आप इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो दूसरे लोग भी आपका सिस्टम कॉपी करके दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट? तो आपने मैथ्स का बिजनेस ही क्यों चुना? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी एज अ बिजनेस खोलने को, बट आपको आपका पैशन है कि व्हाट वाज द रीजन कि आपने ये चुना? पैशन नहीं है, I am very weak in maths in school. Okay. I am average student. आप मेरे 10 के मार्क सुनोगे तो बहुत हंसोगे. बताइए, बिल्कुल बताइए. नहीं बताना चाहती हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क से ही मैं पास हो गई हूँ, ज्यादा.
मैथ्स मेरा ही वीक था 10th क्लास में 12th क्लास में, फिर तेज करना पड़ा इसके लिए। लेकिन मुझे पहले से आदत है कि जिसमें मैं वीक हूँ उसके पीछे ही लग जाऊँ। सही बात है। जैसे कि कॉलेज में इकोनॉमिक को मेरा वीक था, तो मैं उसके पीछे, फिर मैंने मेरे फ्रेंड को जो मेरी टॉपर थी उसको मैंने इकोनॉमिक का लेसन पढ़ाया था। अच्छा, ऐसे। और मैं इंग्लिश में वीक हूँ तो, लेकिन अभी तक इंग्लिश के लिए मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ थोड़ा। फिर मैथ्स अबैकस कैसे है कि इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट कह सकते हैं। जैसे कि इट्स नॉट फॉर ओनली मैथ्स, दिस इज होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। करेक्ट। तो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। साथ में तब भी जो अबैकस का कोर्स चल रहा था 10 साल पहले, तो बहुत काफी महंगा था, जो कि मैं मेरे बच्चे के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं ट्रेनिंग ले लेती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ। करेक्ट, मेक सेंस। तो हाँ, तो ये थॉट था मेरे माइंड में। और इसी थॉट के साथ मैं अभी मैंने जो विमेंस के, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के में जो जिनका भी नुकसान हुआ है, या फिर जो घर पे बैठे हैं, तो यही थॉट लेके मैं मैंने मेरा प्रोडक्ट बनाया अभी। अच्छा, तो आपका जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो बेसिकली उनके लिए जिनके आप लॉकडाउन, जिनका बिजनेस अब लॉकडाउन में नहीं है, उनकी हेल्प कर पाया? हाँ, या फिर जो जिनके पास दो दो बच्चे हैं, मतलब एक घर में दो बच्चे हैं। हाँ। जैसे कि मेरी एक ही बच्ची है, लेकिन मैं उसके लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं किसी को ना सिखा पाऊँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट जॉब था, मतलब कि मैं प्रोफेशनली टीचिंग लाइन में नहीं थी। तो मैंने चेंज किया है मेरा ट्रैक। तो मैंने सोचा कि भले मुझे सिखाना नहीं आए दूसरों को, यानी कि ट्यूशन नहीं लूं, लेकिन मैं मेरी बच्ची को तो सिखा पाऊंगी। मतलब तभी जो 35-40,000 का कोर्स था बच्चों के लिए, तो वो मैं मेरे बच्ची को दे सकती हूँ। और उसी के बल पे मैंने पहले 5 स्टूडेंट लिए, फिर मैंने ऐसे स्टूडेंट बढ़ाते बढ़ाते अब मेरा काउंट है 200-300 अराउंड स्टूडेंट मेरे हाथ से सीखे गए हुए हैं। वाओ। और करंटली आप कितने को ट्रेन कर रही होंगी, कितने बच्चों को ट्रेन कर रही होंगी? अभी फिलहाल मेरे पास है 70 का काउंट है। क्या बात है, क्या। सो 70 आप लाइव कोच कर रही है बच्चों को, और 200 हो चुके हैं? जी जी हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि पाइस ज्वाइन करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, बिफोर ज्वाइनिंग इंटरनेट कोचिंग एम्पायर, क्या चल रहा जीवन में, क्या प्रॉब्लम्स फेस करती थी आप, और डेली लाइफ कैसी थी? एक्चुअली बहुत स्ट्रगलिंग था बिफोर आई ज्वाइन करने से पहले। और स्ट्रगलिंग मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मेरा मैनेजमेंट कुछ अच्छा नहीं था। आई मीन हम जो बोलते हैं ना कि ऐसे 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 ही होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, सिस्टमैटिक काम, तो हाँ सिस्टमैटिक नहीं था, या फिर मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी चीजें, जैसे कि एडमिन हो गया, सेल्स हो गया, तो सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती, क्योंकि अभी मेरे पास 3 प्रोडक्ट है फिलहाल। मैं मेरा प्री स्कूल भी चला रही हूँ, साथ में फोनिक्स भी टीच करती हूँ। मैं फोनिक्स के भी काफी सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैं रहती हूँ मुंबई में जोगेश्वरी में, लेकिन विरार घाटकोपर से भी मेरे पास स्टूडेंट्स है, जो कि बहुत एक लंबा छोर हो गया, मतलब यहाँ से वहां ऐसे, तो वो भी मैनेज करना होता है। साथ में मेरे 4 ब्रांचेस है अभी मुंबई में ही। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, 2 फ्रेंचाइजीज है मेरे खुद के, जो जिन्होंने मेरे से मुझसे फ्रेंचाइजीज ली हुई है। तो ये सारा कुछ मैनेज करना, फीस फॉलो अप, ये सब करना काफी डिफिकल्ट था। और साथ में मुझे मार्केटिंग के लिए ये नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले के पास जा रही हूं तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, हाँ अफोर्ड करना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, और ऐसे ही मुझे कोर्स करना था कि थोड़ा मेरा बिजनेस हाई टिकट लेवल, या फिर कम समय में मैं एक कोर्स ले जाऊं। इसलिए मैं सर्च कर रही थी, और बीच में मैंने आपका एक ऐड देखा, जो कि आपका ऐड था वो आप पैसे लेके ऐसे पटक रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई ये कौन आदमी है कि जो पैसे पटक रहा है। तो वहां मैंने थोड़ा क्यूरियस होके मैंने ऐड को क्लिक किया, फिर बाद में आपके यहाँ से मुझे कॉल आया,
जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता ही नहीं था कि कॉल आएगा वगैरह ऐसा कुछ है. भूल गए थे आप? हाँ भूल गई थी, और मैंने सोचा कि मैंने एवे ही कर दिया है क्लिक, कुछ होगा नहीं होगा ऐसे. फिर मैंने क्लिक किया तो सोमेश जी से बात हुई थी, सोमेश कलाल. सोमेश जी से एक, हाँ एक घंटा हमने बात की और फिर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया. क्या बात है यार, मैं समझ पाऊँ तो आपका बिजनेस सिस्टमैटिक नहीं था, मार्केटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा था, हाई टिकट ऑफर्स कैसे क्रिएट करें, उसको सेल कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा, राइट? और बेसिकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी रिगार्डिंग योर बिजनेस, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू ग्रो. बट उसके बाद यू जॉइन आइस कोर्स, आपने ऐड देखा, आपने देखा कि पैसे कटक रहे हैं, तो फिर आपको लगा कि हाँ अब ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, तो फिर आप आइस कोर्स के साथ आगे बढ़ गए. करेक्ट करेक्ट जी, हाँ जी करेक्ट, राइट. सो ठीक है, तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था आइस को लेके? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन फॉर इंटरनेट कोचिंग एम्पायर? एक्चुअली बताऊ तो कि बहुत सारे आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके एड मैंने ऑलरेडी देखे. जैसे आपको पता था कि मैं ऐसे ढूंढ ही रही थी कोई मुझे अच्छा मेंटोर मिले, right. ताकि मैं मेरे आगे गाड़ी आगे बढ़ा सकूं. करेक्ट. तो फिर देख देख के राज शेखर वगैरह भी है जिनका मैंने इंटरव्यू सुना था, लेकिन उनका जो फीस लेवल स्ट्रक्चर था वो काफी हाई था. फिर और एक है, तो मतलब बहुत सारे हैं जिनके मैंने वेबिनार एक दो बार अटेंड भी किए थे. लेकिन फिर आपका जो क्वालिटी है, मतलब कि डायरेक्टली वेबिनार, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि डायरेक्टली वेबिनार अटेंड कर सकूं. हाँ तो आपका जो ये है कोर्स है, हाँ कोर्स है, तो कि ऑर्गेनिक की डायरेक्टली वेबिनार नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी मैं कंजर्वेटिव हूँ, लोगों से ज्यादा डायरेक्टली बात नहीं कर पाती हूँ. राइट, तो बेसिकली आपने दूसरे कोर्सेज के एड्स वगैरह देखे, आप वेबिनार्स में गए, आपको ये समझ में आया कि बस मैं एक साथ वेबिनार में नहीं सेल कर सकती, मेरे पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है. बट और दूसरी बात, उनके साथ इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ रहा था कि क्या मैं किससे बात कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ मेरे लिए है कि नहीं. बट जब आपने हमारा जी, और सोमेश से आपकी बात हुई और आपको ये सही लगा कि हाँ कोई बात करने वाला है, उसने समझा है मेरी बात और तब मुझे आके कुछ ऑफर किया है, तो आई थिंक ये मेरे लिए सही टेक होगा. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस हमारे भी हाई थे. आई थिंक आपने स्प्लिट पेमेंट चूज किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ. जी जी राइट जी. but, हाँ बट आपको फील हुआ कि हाँ कोई हेल्प करने वाला सही में है यहाँ पे, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. जी जी करेक्ट. क्योंकि ऐसे नॉर्मली कैसे होता है कि कोई वीडियो दे देते हैं और फिर बाद में कोई समझाने वाला रहता ही नहीं, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं था. जब भी मुझे अगर हेल्प की जरूरत लगती थी तो मैं कॉल करती थी या मैसेज करती थी. हाँ थोड़े बिजी रहते थे आप, लेकिन बाद में हेल्प मिल जाती थी. और इसके बीच में मैंने, हम जैसे हमारे बच्चों को बताते कि बड़ी सिस्टम यूज करो, तो मैंने भी ऐसे ही किया. मेरे साथ उसी दिन डॉक्टर पृथ्वी भी ज्वाइन हुए थे, तो कोइंसिडेंसली हम लोगों की बात हुई. और एक थी जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, तो हम तीनों ने ग्रुप बनाया था, लेकिन दोनों दो ही लोग हम लोग आगे बढ़ सके. और उन्होंने मुझे काफी हेल्प की. तो पृथ्वी जी 10 लाख पर मंथ पे टच हो चुके हैं, कल ही मैंने उनके साथ परसों इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो उनके लिए अलग कॉन्ग्रेचुलेशन. जी जी राइट. तो जब आप आइस का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, एंड व्हेन यू वर गोइंग थ्रू द कोर्स, यू मस्ट हैव सीन चेंजेस इन योरसेल्फ, राइट? काफी सारे इंटरनली आपको चेंजेस फील हुए होंगे खुद के अंदर. व्हाट वर दोस चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू? पहली बात तो जो कि लाइफस्टाइल, मतलब कि लेट थोड़ा सा उठना, क्योंकि रात को लेट सोते थे, तो वो मैनेज करने, मतलब जो वर्कशीट्स है वगैरह वो फॉलो करते करते वो थोड़ा आदत हो गई मुझे. और अच्छा बहुत टाइम मिलने लगा, बिजनेस के लिए भी अच्छा फील होने लगा, एक्सरसाइज वगैरह करने लगे. जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे हमने वर्कशीट्स फॉलो किए हैं, तो काफ़ी चेंजेस है. एंथुजियाज़म मतलब कि बढ़ गया. लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंट भी आ गया है अभी. जैसे कि सर्वे किया था, तो सर्वे में बहुत सारे काफी कोल्ड कॉलिंग थी, जैसे कि जो अननोन पर्सन है उनके साथ बात करना था. तो उनके साथ बात करते हुए काफी सारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है अभी. राइट.
तो आप मतलब ऐसे डर नहीं है। हाँ, तो जब सारी चीजें कंप्लीट करी तो आपका एंथुजियाज्म लेवल बढ़ा, आपने बॉक्सिंग भरी, तो आपको क्लैरिटी आई लाइफ में, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सही है और मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, जिसकी वजह से आप फाइनली 1 लाख पर मंथ बच चुकी है। ऑसम। तो जब व्हेन यू वर कंप्लीटिंग द आइस का कोर्स, देन आपको कई सारे टूल्स, टेम्पलेट्स, स्क्रिप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, अलग अलग चीज़ें मिली थी, राइट? आपकी टॉप 3 फेवरेट क्या रही? टॉप 3 फेवरेट तो एक तो जो मैंने कहा कि हमारे हैबिट्स के लिए है, मतलब कि हर रोज की जो टाइम टेबल वगैरह जो बनाया गया है वो है प्लानर। फिर फाइनेंस वर्कशीट आपने जो बताई थी करेक्ट, वो तो मुझे काफी काम में आ गई, क्योंकि मेरे लिए वो मैनेज करना थोड़ा ये होता था, प्रॉब्लमेटिक होता था, तो अभी मैं आपकी वर्कशीट फॉलो कर रही हूँ। और तीसरी बात सर्वे, जो सर्वे वर्कशीट था, हाँ, रिसर्च एंड सर्वे, तो उसके वजह से काफी सारी हेल्प मिली। राइट, तो रिसर्च वगैरह उन सब की वजह से आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गई कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आपकी मार्केटिंग इजी हो गई। जी, एक्चुअली क्या है, फन है इसमें थोड़ा सा, कि मैंने जब आपका कोर्स ज्वाइन किया तो वो था स्टूडेंट्स के लिए। राइट, मेरी नीश थी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मैं सोच रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना कोई ज्यादा मतलब ये कोर्स सीखने बड़े लोगों के लिए चाहत नहीं होगी ऐसे मुझे लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं कोर्स करती गई, वर्कशीट बनाती गई, डॉक्टर पृथ्वी के साथ ही हम दोनों भी एक साथ ही कर रहे थे, तो तभी मुझे थोड़ा क्लैरिटी, मतलब ये मेरे माइंड में था कि बड़ों के लिए कोर्स लाना चाहिए, जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारी औरतें होंगी, हाउस वाइफ्स होंगी, या फिर जो पेरेंट्स हैं जिनके पास दो दो बच्चे हैं, या फैमिली में ज्यादा बच्चे हैं, मतलब कजिन्स वगैरह रहते हैं, तो समझिए ये कोर्स अगर 25,000 का है तो एक घर में अगर दो बच्चे हैं तो 50,000 हो जाता है। तो बेटर है कि उनके पेरेंट्स से अगर ये कोर्स सीखे तो उनके 50,000 तो बच जाते हैं, प्लस वो तो ये भी थॉट है, हाँ, बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब उसे एक हैंडसम इनकम ले सकते हैं, पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। राइट, तो तभी मुझे ये थॉट आया, फिर मैंने रिसर्च की। तो यही पे आपका एकदम बल्ब ऑन मोमेंट हुआ कि अगर मैं स्टूडेंट को 25,000 का बेच रही हूँ तो क्यों ना मैं पेरेंट्स को एक बेटर ऑफर बना के बेचूँ, जिसमें वो सीख भी सकते हैं, बच्चों को सिखा भी सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं उसी चीज से, और वो पे भी कम करेंगे उसके लिए। करेक्ट, तो बेसिकली आपने रिसर्च पार्ट करा, उससे आपका एक नया ऑफर क्रिएट हो गया, एक नई निश मिल गई, एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिल गया, और तब आपका बिजनेस वहां से स्केल हो गया। राइट, गॉट, क्योंकि पहले मैं थोड़ी शासन थी कि अगर बच्चों के लिए करूँ तो पेरेंट्स, अभी लॉकडाउन वगैरह सब कुछ चालू है तो ये कोर्स लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा डाउट था मेरे मन में। बट क्योंकि आपने पेरेंट्स पे ही प्रोडक्ट स्विच कर दिया तो वो ज्यादा पे भी कर सकते हैं, ज्यादा इजीली भी पे करेंगे। Correct. और उनको हिचकिचाहट भी नहीं होगी पे करने में, बिकॉज उनके फायदे की चीज हुई है। जी जी, करेक्ट, क्योंकि उसमें उनके 3 फायदे हो जाते हैं, एक तो वो खुद के बच्चों को सिखा सकते हैं, साथ में उनका ब्रेन डेवलप हो जाता है क्योंकि काफी ऑसम प्रोडक्ट है, और तीसरा है कि इनकम लेवल बढ़ जाता है, और ये कोर्स पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जी जी, चारों चीजें एक साथ होगी तो बेटर ऑपर्चुनिटी होगी और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी, तो विद्या, जब मुझे याद है जब आपने चालू किया था तब आपको ऐसी हिचकिचाहट थी हाई टिकट सेल करने में, और आपको ऐसा एक कॉल पे इतना पैसा मांगने में सी प्रॉब्लम सी होती थी, तो क्या शिफ्ट था आपके अंदर जिसकी वजह से आप ऐसे हुए कि यार मैं हाई टिकट चार्ज कर सकती हूँ और आई शुड चार्ज हाई टिकट? व्हाट वाज द माइंड सेट स्विच? वही था, जैसे कि अभी 3 साल से लॉकडाउन वगैरह सब, कोरोना की वजह से सबके घर में प्रॉब्लम्स थे, और साथ में मैं जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ जिनके यहाँ पे, तो वो एक साथ हमारा जो मेरा कोर्स ऑलरेडी 2 साल का 25,000 है, लेकिन 2 साल के लिए है और बच्चों के लिए है, ठीक है, तो लेवल वाइज पेरेंट्स 3,000 या फिर 1 month, मैंने तो लॉकडाउन की वजह से 1,000 ही लेना स्टार्ट किया, क्योंकि कोई पेरेंट्स डायरेक्टली 3,000 3 months के लिए भी पे करने के लिए मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, तो फिर ये इसकी शर्त कि अगर समझे मैंने मेरा कोर्स अगर 25,000 का मेरा कोर्स है और मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 3 months के लिए दे रही हूँ, तो इतना अमाउंट वो पे करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये हिचकिचाहट थी आपके मन में पहले। हाँ, इसको ओवरकम कैसे किया आपने? फिर वही मैंने निश चेंज की।
तो निश चेंज करते ही मुझे पता चला, फिर मैंने आपसे भी बात की थी, राइट, मुझे याद है। जैसे कि मुझे पता चला कि हमारा अगर प्रोडक्ट अच्छा है, हम अगर उन्हें उतने फायदे दे रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने उन्हें उनके शिप से उनके जगह पे पहुंचा दिया, करंट सिचुएशन जो तो थी उस सिचुएशन में पहुंचा ऑब्वियसली, दिया। हाँ, हाँ तो फिर ऑब्वियसली वो कोई भी पे करेगा, मैं भी पे करूंगी। राइट राइट। तो बेसिकली आपने ये समझा कि पहले मैं स्टूडेंट सिचुएशन डिजायर सिचुएशन ले जा पा रही थी, लेकिन अगर मैं आप पेरेंट को ही करंट सिचुएशन से डिजायर सिचुएशन ले जा पाऊँ तो मेरा ऑटोमेटिकली चार्जिंग मैं ऊपर कर सकती हूँ, हाई टिकट पे जा सकती हूँ, और वो पे इजीली करेंगे क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कंपेयर टू उनके बच्चों की। करेक्ट, और वेरी साथ में उनका इनकम भी बढ़ रहा है। राइट, वेरी ऑसम यार, वेरी ऑसम। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट था आइस के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए कि आपका प्रोडक्ट बेटर हो गया? पहले तो वो 2 साल के लिए था, हाँ जैसे कि पहले भी मेरे फ्रेंचाइजी देती थी, लेकिन वो भी अराउंड 72-1 लाख तक जाता था, मतलब कि मैंने परसेंटेज रखे थे जैसे कि 80-20-60-40 था, और जो कोई पे नहीं कर पा रहा है, फ्रेंचाइजीज नहीं दे पा रहे, उनके लिए 40-60 था, मतलब कि एकेडमी 60 वो 40 देंगे। लेकिन फिर जो फ्रेंचाइजीज ले रहे थे, मतलब कि जब मैंने किसी से फ्रेंचाइजीज ली, तब मेरे भी मन में था कि मैं मेहनत करूँ और पैसा वो खाए, तो ये बात गलत है, तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए मैंने कहा उन्हें कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप ही उसका फायदा लो। करेक्ट, इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ पे मैंने रॉयल्टी जो थी, सॉरी फ्रेंचाइजीज फीस जो थी, मैंने वो कैंसिल कर दी। ओ अब सिर्फ प्रॉफिट और मार्जिन का गेम था। हाँ, साथ में रॉयल्टी थोड़ी सी रखी है, क्योंकि वो बुक्स मटेरियल के लिए जो लगता है उसके लिए। साथ में जो 25,000 का कोर्स था, वो मैंने 20,000 में कर दिया, और फिर वो जो कोर्स 2 साल तक करना पड़ता था, वो मैंने 3 मंथ्स में कर दिया, तो वो बेटर हो गया। गॉट इट गॉट इट। तो आपका जो प्रोडक्ट था वो फास्टर हो गया, जो 2 साल फीस हाँ, लेती थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो 3 महीने होने लगी, एंड दैट्स हाउ योर प्रोडक्ट बिकेम बेटर, राइट। एज वेल यस, एज फॉर द पेरेंट साइड, अपने फ्रेंचाइजी में फॉर प्रॉफिटेबिलिटी यू हैव प्रॉफिट्स एंड रॉयल्टी, बट उनका जो एक बुकिंग फीस होता है वो आपने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस चालू कर पाए। जी। ऑसम यार, ग्रेट इनोवेशन। ठीक है, आइस के पहले आपकी सेल्स प्रोसेस, आपने कहा मार्केटिंग में प्रॉब्लम थी, सेल्स में प्रॉब्लम थी, राइट। आइस के बाद व्हाट वर द चेंजेस इन योर सेल्स प्रोसेस? आपकी सेल्स प्रोसेस स्मूथ कैसे हुई? पैसा ज़्यादा कैसे आने लगा? ज़्यादा लोग आपके पास कैसे इंक्वायरी के आने लगे? क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? उसके लिए मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए, फिर मैंने फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज बनाया। राइट। आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दीजिए टेलीग्राम वगैरह, हाँ अब वहाँ पे मैं पोस्ट अपडेट करने लगी, और फिर पोस्ट अपडेट करने के बाद जो पहचान में, मतलब जो रेफरेंस थे फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं मुझे कर्नाटक से भी मेरी एक टीचर ट्रेनिंग ले रही है, ऑसम जो यार, कि मेरे हाँ ECCED में के बैच में, मतलब कि जो टीचर्स के लिए कोर्स रहता है उसके बैच में मेरी फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर ने वो कोर्स ज्वाइन किया है कर्नाटक से। ओके। तो बेसिकली फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपसे ज्वाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि अब आपने हाँ थोड़ा सोशल मीडिया पे खुद को एक्टिव करना चालू करा है, तो आपको दूसरी जगह से भी जी लोग आ रहे हैं जो जानना चाहते हैं, और साउथ से भी, आप मुंबई में रहती है, साउथ से भी लोग आपको टच में आके आपका कोर्स लेना चाह रहे हैं और फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं। जी जी बहुत बढ़िया। व्हाट और क्या चेंज हुआ? तो ये हो गया मार्केटिंग साइड जो आपने चेंजेस करे, सेल्स साइड क्या क्या चेंज हुआ? सेल्स साइड, मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ऑफर्स दिए राइट, थे, तो वो ऑफर मैंने मेरे सेल्स में लाए, इसलिए थोड़ा अच्छा, मतलब कि पहले कैसे था कि अबैकस का फ्रेंचाइजी लेना, मतलब कि बहुत बड़ा काम है, जैसे कि 1 से 1.5 लाख तो चाहिए चाहिए आपको पॉकेट में, और फिर ट्रेनिंग फीस अलग रहती है उसकी, राइट, तो वो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि फ्रेंचाइजीज फी ही निकाल देते हैं। वेरी गुड, ओके गॉट इट। तो आपकी सेल्स प्रोसेस में बेसिकली रिसर्च और ऑफर क्रिएशन ने आपका जो पूरा सेल्स का सिस्टम था वो बहुत इजी कर दिया, और आपके क्लाइंट्स जी आने चालू जी हो गए। जी हाँ गॉट इट गॉट इट। ठीक है, आइस को ज्वाइन करने के बाद आपका सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था?
जब मेरा पहला सेल हुआ कब हुआ था पहला सेल, कितने का था? 15,000 और हो गया, 1 महीना हो गया, मतलब कि कोर्स स्टार्ट करने के बाद 1 महीने में हो गया, 1-1.5 महीने में हो गया, जब मैंने सर्वे करना स्टार्ट किया था। राइट, फोन पे हुआ सेल, 1-to-1 हुआ सेल, कैसे हुआ हुआ? हाँ फोन पे हुआ, फोन पे हुआ। उन्हें पेमेंट आपको जो चाहे आपने बोला था, हाँ पेमेंट मुझे, हाँ। क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और अब हम कंसिस्टेंटली 1 लाख पर मंथ टच कर रहे हैं। 1 महीने पहले आपकी पहली सेल हुई है और उसके 1 महीने के अंदर हम 1 लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली टच हो रहे हैं। जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जी। अभी कहीं पे काम कर रही हैं आप? अभी आपका फ्यूचर विजन क्या है, क्या सोचा है आपने आगे के लिए? फ्यूचर विजन बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने प्री स्कूल खोला हुआ है, तो मेरी चाहत है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो मेरे स्कूल के, स्कूल वैन आए, क्योंकि स्कूल वैन आए मतलब कि इतने सारे बच्चे आएंगे। साथ में अबैकस के मेरे जो ब्रांचेस है, तो मुझे अपने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, तो इंडिया, ओवरऑल इंडिया में ब्रांचेस स्टार्ट करने हैं। बहुत बढ़िया, वो एक बड़ा विजन है और वो हो ही जाएगा। राइट, और आपके स्टूडेंट्स को क्या रिजल्ट आने चालू हुए? स्टूडेंट को काफी बढ़िया रिजल्ट है उसके, क्योंकि हमारी क्वालिटी ही वैसे मेंटेन की है हमने, जैसे कि सिलेबस जो बनाया हुआ है ना मैंने, तो उसी तरीके से बनाया है कि अगर मेरा प्रेजेंस नहीं है, अगर दूसरी टीचर भी ले रहे हैं, तो वो भी वही सेम रिजल्ट लाएंगे। Awesome, यार, मतलब जो कि जो मेरे यहाँ से फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं, तो वो भी मेरी तरह ही पढ़ा पाएंगे। समझ गया, तो आपने बेसिकली खुद को प्रोडक्टाइज कर दिया, जो हमने कोर्स में बताया कि खुद को प्रोडक्टाइज कर दो, जिससे कोई भी उस चीज का फायदा उठा के किसी को भी सिखा सकता है। हाँ, राइट, गॉट इट। मतलब ट्रेनिंग कोर्स ही ऐसे बनाया हुआ है। अंडरस्टूड, राइट। तो कि छोटी सी छोटी चीजें भी मैं बताती हूँ उन्हें। हाँ, तो डिटेल से लेकर ओवरव्यू उसमें सब कुछ है, जिससे आप प्रोडक्टाइज हो गई, तो विद्या की नॉलेज बेसिकली किसी चीज में आ गई जिसको कोई भी यूज करके सिखा सकता है। जी, गॉट इट। तो आपने बेसिकली जब फेसबुक एड्स या आप कुछ भी देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो काफी सारे लोग हैं जो यू नो 97 रुपीज की वर्कशॉप, 500 रुपीज की वर्कशॉप, फ्री वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं। आपने आइस को क्यों चुना और किसी और को क्यों नहीं, क्योंकि आपने अटेंड किया या पे किया होगा या कुछ भी करा होगा? हाँ, इसीलिए मैंने चुना कि डायरेक्टली वेबिनार नहीं कर रहे मुझे। मतलब कि फनल्स वगैरह वो सारी चीजें बहुत महंगी थी ऐसे मैंने सुना था। तो इसीलिए, और पहले आपका जो प्रोसेस था वो कैसे है कि पहले खुद को बदलो, करेक्ट, मतलब कि अवतार, और फिर बाद में खुद को बदलने के बाद एक विजन लेके चलो, जो कि पहले तो हमें 1-to-1 करना है, ऑर्गेनिक सेल करना है। ऑर्गेनिक सेल में क्या है कि पहले आप थोड़ा एक बड़ा अमाउंट बनाओ और उसके साथ आप चलो। करेक्ट। जब ऑर्गेनिक बन जाए उसके बाद पेड एडवर्टाइजिंग में घुसो और पेड एडवर्टाइजिंग करो। हाँ, राइट, वेरी करेक्ट, राइट। सो आपने आइस का कोर्स कंप्लीट किया, 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स आपकी क्या थी? 3 सबसे बड़ी लर्निंग वही जो मैंने मुझे खुद को अपडेट किया। हाँ। जो भी मेरी आदतें थी वो चेंज हो गई। सेकंड कि स्टेबलाइजेशन नहीं था, मतलब कि चीजें बहुत सारी बिखरे हुई थी, मैनेजमेंट नहीं था ठीक से, तो वो मैनेज करने सिखाया मैंने, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई एम्प्लॉय नहीं रखा है मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वगैरह। हाँ, अभी जरूर रखूंगी, क्योंकि वो जो मेरा टाइम है वो मुझे यहाँ पे स्पेंड नहीं करना है। समझ गया। व्हाट नेक्स्ट? और तीसरा जो है वो कि मार्केट रिसर्च से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब जहाँ है वहाँ पे ही नहीं रहना है, नई नई चीजें अपडेट करनी है। जब तक आप मार्केट से लगातार नहीं पूछ रहे हो कि क्या अपडेट हो सकता है, तब तक आप वहीं पे रहोगे। हाँ, यानी कि प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त लोग जो कम्युनिटी में हैं, बट आपके जितने जल्दी रिजल्ट नहीं आए उन्हें, राइट, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? सारे वर्कशीट अच्छे से फॉलो करो। हाँ। कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट करो। हाँ। ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। राइट, तो आपके हिसाब से अगर कोई ध्यान से वर्कशीट कर रहा है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा है और जो जो सिखाया गया वो कर रहा है,
तो रिजल्ट आने गारंटीड है जी जी जरूर। और आप अपने मुंह से भी जो आपको अभी रिजल्ट आया वो बता दीजिए, जिससे जो देख रहे हैं उनके साथ कंफ्यूज है कि हाँ सही में भी इतना ही आया। ओके रिजल्ट मतलब कि देखिए कैसे कि 3 मंथ्स में मुझे मैंने जो कोर्स किया था 3 मंथ्स में कंप्लीट किया था मैंने, तो उस बीच में ही मैंने जब सर्वे शीट कंप्लीट की उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉल्स करना स्टार्ट किया, बातें करना स्टार्ट किए, फेसबुक अकाउंट वगैरह क्रिएट किया, प्रॉपरली प्रोफाइल्स बनाए सारे, मतलब सोशल मीडिया एक्टिव हो गई मैं, और उसके बाद इंक्वायरीज मुझे आने लगी और अभी अच्छा सेल हो रहा है और मैं अभी कंस्टेंटली मेरा जो इनकम है वो 1 लाख तक पहुंच गया है। Awesome. और इसके लिए ना आपने एड्स यूज करे, ना आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदे, ना कोई आपने टीम हायर करी, ये सब भी जी नहीं 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 ऑर्गेनिकली किया है मैंने। बहुत ही बढ़िया कंप्लीट ऑर्गेनिकली किया है मैंने। बहुत बढ़िया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन है और क्या एडवाइस है? जरूर करना चाहिए, मैंने इनफैक्ट मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स को ऑलरेडी बता दिया है कि आप प्लीज ज्वाइन करो। सच में आपके लाइफ में भी चेंजेस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच राइट। सो आखिरी लास्ट वर्ड्स आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं? जैसे कि मैं पहले ऐसे नहीं थी जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो। मैंने देखा आप हाउसवाइफ कह सकते हैं मुझे। बात करने के लिए मैं बहुत हिचकिचाती थी, लेकिन कोर्स के बाद जो मेरा अवतार चेंज हो गया है वो आप देख रहे हो अभी फिलहाल। साथ में इनकम आने के बाद ऑब्वियसली जो सेल्फ इनकम रहता है जैसे कि हस्बैंड का नहीं है हमारा खुद का, तो उसे बहुत सारी पावर्स आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, आप डिसीजन ले सकते हो, यू विल बी अ डिसीजन मेकर यस राइट। तो जितने लोग ये देख रहे हैं जिनको नहीं पता, मैं विद्या को पिछले 3-4 महीने जानता हूँ, मैं बॉम्बे गया था तब इनसे मिला भी था। जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा एक बेटर वर्जन है इनका। ऑब्वियसली आप वो नहीं देख पाएंगे पुराना वर्जन, अगर इनके कुछ पुराने वीडियोस नहीं देख पाए आई डोंट नो, बट मैंने देख रखा है वर्जन एंड आई वुड से दिस वर्जन इज 20x बेटर देन दैट। And when I say that, I literally like 20x than that. This woman was just a housewife who was just trying to help her kids, trying to do menial things, just being, you know, relatives and family all together, WWE. Right now, she's so confident. She's able to, you know, change people's life. She's able to help other parents to change their lives, students, and she's doing really amazing. So congratulations, Vidya. You have done a very big thing. अगला टारगेट है 10 लाख पर मंथ, राइट? अगले 6 महीने पर मंथ जरूर जरूर। हाँ, और एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जो ग्रुप में है जैसे हमने बड़ी सिस्टम यूज किया था, जैसे कि डॉक्टर पृथ्वी ने मुझे काफी सारी हेल्प की, उनकी वजह से मैं एक्चुअली कोर्स कंप्लीट कर पाई हूँ जैसे कि हम दोनों ने साथ में किया था। तो आप भी कम्युनिटी में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, ये एक अच्छी चीज है, ये मैं बोलना भूल गई थी। जो कि हमारा ग्रुप है तो सारे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, प्लीज यू आर सो कीप इन टच इन दैट ग्रुप एंड यू कैन आल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। राइट, तो अगर आप ग्रुप में एक्टिव हैं एटलीस्ट तो आपको वहाँ पे दोस्त मिल सकते हैं, लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं जो भले ही आपसे आगे हैं या पीछे बट आपकी हेल्प करने को रेडी है अगर आप उनसे हेल्प मांगे तो। राइट, हम तो है, मैं और मेरी टीम तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है, बट अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी हेल्प करें तो कम्युनिटी इज द बेस्ट पार्ट फॉर देयर। राइट, सो विद्या आपको कैसे ढूंढ सकते हैं ये लोग अगर आपसे बात करनी है, इन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदना है या अगर कुछ भी टच में आना है आपके, तो कैसे टच में आ सकते हैं? फेसबुक पेजेस है हमारे बी यूनिक, फेसबुक पेज का नाम है बी यूनिक अबैकस एंड एकेडमी एक्टिविटी सेंटर, और फिर इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए भी हमारा सेम आईडी है बी यूनिक अबैकस एकेडमी। ऑसम, तो जितने लोगों को भी विद्या से अगर टच में आना है उनके प्रोडक्ट के लिए या जानने के लिए सही में आइस काम करता है कि मैंने विद्या जी को पैसे दिए ये बोलने के, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे देख सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम की इनकी लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो
सो थैंक यू सो मच विद्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ अमेजिंग पर्सन एंड ट्राइंग टू, अब रो रही हैं, आंसू आ रहे हैं आपको खुशी के? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस पर था। एनीवेज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा आपने, मैं चाहता हूँ और इंप्रूवमेंट हो। अगला गोल है हमारा 10 लाख पर मंथ, ऑब्वियसली आपकी फ्रेंचाइजी बॉम्बे के बाहर जाने वाली है, राइट, महाराष्ट्र के बाहर जाएगी एंड इट विल बी ऑल ओवर नॉट इंडिया बट वर्ल्ड एंड यू विल बी टीचिंग अ बैकर्स एवरीवेयर एंड सून स्कूल वैन्स नहीं स्कूल बसेस आ रही है, राइट, अब हम काम करेंगे आपके पेड एडवर्टाइजिंग पे और वहाँ से हम स्केल करेंगे, राइट, जरूर पक्का, थैंक यू थैंक यू।